नमस्कार, मैं दिव्या पांडे आपका स्वागत करती हूँ नेशन लाइव आईपीटीवी पर। मैं आपको बताने वाली हूँ सीरियल से जुड़ी नई अपडेट। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब से कायरव ने सीरत को देखा है तब से वो उसे अपनी माँ मानने लगा है, और जब सीरत अपने बॉक्सिंग मैच में होती है तभी कायरव उसे माँ बोलकर वहाँ आ जाता है, और कायरव के कारण सीरत बॉक्सिंग मैच में हार जाती है। अब जैसे ही कायरव सीरत को रोते हुए देखता है उसे माँ बुलाता है। ये सुनकर सीरत उस पर गुस्सा हो जाती है, और तब तक वहाँ कार्तिक आ जाता है, लेकिन कार्तिक से पहले ही सीरत वहाँ से चली जाती है और कायरव बेहोश हो जाता है। कार्तिक उसे वहाँ से ले जाता है, और जैसे ही कायरव को होश आता है तो वो फिर से माँ पुकारता है, जिसे सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वो कायरव को डांट देता है। अब कार्तिक को ये नहीं पता कि कायरव जिसकी बात कर रहा है वो नायरा की तरह ही दिखती है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सीरत की मुलाकात कार्तिक से होगी और कहानी लेगी नया मोड़। बात करते हैं जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य की। रणवीर प्राची से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो प्राची को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन इस बात से दोनों बेखबर हैं कि अनजाने में ही सही लेकिन रणवीर के हाथों प्राची की मांग भर गई है। कहीं ये ऊपर वाले का कोई इशारा तो नहीं? दूसरी तरफ प्रज्ञा इमोशनली सभी अपनों को याद करती है क्योंकि वो सबसे दूर है, लेकिन फिलहाल तो अभी और प्रज्ञा गुंडों की गिरफ्त में फंसने वाले हैं, और कौन है वो जिनके साथ मिलकर दिग्विजय ये सब कर रहा है? सोचो क्या वो आलिया है या फिर राज भैया जिनके साथ मिलकर दिग्विजय अभी और प्रज्ञा को मारना चाहता है। बात करते हैं स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा की। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में किंजल को मिली उसी पोजीशन पे नौकरी जहां उसके ससुर वनराज काम किया करते थे, लेकिन जब से काव्या को पता चला है कि उसे किंजल के साथ काम करना पड़ेगा तब से ये बात काव्या को हजम नहीं हो रही है, और वनराज को बताने के साथ साथ उसे भड़का भी रही है। लेकिन क्या होगा जब किंजल को पता चलेगा कि काव्या उसी के अंडर काम करने वाली है? अब ये बात तो ध्यान रखिएगा काव्या, आपको अनुपमा ने माफ किया है लेकिन किंजल ने नहीं। मतलब सीरियल में और भी मजेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। बात करते हैं सोनी सबके शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। अरे ये क्या हो गया, चाचा जी को हो गई गलत फहमी। दरअसल बबीता जी जेठालाल के घर आई थी गुजराती लेटर पढ़वाने, और वो लेटर लव लेटर निकल गया। अब जेठालाल की किस्मत तो सभी वाकिफ हैं, जैसे कि वो लव लेटर बबीता जी को सुनाते हैं तभी वहाँ चाचा जी आ जाते हैं। अब गोकुलधाम सोसाइटी में धमाल होगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे ही टीवी सीरियल से जुड़ी चटपटी खबरें सुनने के लिए बने रहिए नेशन लाइव आईपीटीवी के साथ। धन्यवाद।